सक्सेना साहब, अगर आपके पास इस लेवल के सात नेता है तो आपको बीजेपी की खुली चुनौती है। इस डिबेट में आप गिनवाइए इनके सात नेताओं के बरक्स, आपके पास सीएम फेस अगर साथ है तो गिनवाइए। सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी, जिनको कि हम घोषित कर चुके हैं कि वही इस मध्य प्रदेश में सीएम का फेस होंगे, अरुण यादव है, अजय सिंह राहुल है, माननीय दिग्विजय सिंह जी है, माननीय जो है कमलेश्वर पटेल जी हैं जो कि आईसीसी में भी अभी हैं, और हमारे पास जो है ऊपर से लेके नीचे तक लगभग 40 लोग ऐसे हैं जो जीतू पटवारी हैं। आपको मैं कह रहा हूँ 40 नाम लेके ना, छोड़िए अभी सात की गिनती पूरी नहीं हुई है रवि भाई, रवि सक्सेना जी, सात की गिनती पूरी नहीं हुई है, पांच तक गए अभी, आप दो बाकी हैं, फिर से गिन लीजिए सर आप। हाँ, गिनाइए, फिर से गिन लीजिए, मैं आठ नाम गिना चुका हूँ। नहीं, गिनाइए, फिर से गिनाइए, मुझे तो पांच ही दिखे, गिनाइए, मैं गिन रहा हूँ। पहला माननीय कमलनाथ जी, ठीक है, माननीय दिग्विजय सिंह जी, दो, माननीय अरुण यादव जी, तीन, माननीय अजय सिंह राहुल जी, चार, माननीय कमलेश्वर पटेल जी, पांच, माननीय जीतू पटवारी जी, छह, माननीय रवि सक्सेना जी, सात जी। वाह, रवि सक्सेना जो इस वक्त हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं जी, खुद है जी, मैं भी हूँ, मैं 15 से 18 साल से सर, बधाई हो सर, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने की फिलहाल बधाई हो। नहीं, कैंडिडेट नहीं, मैंने कहा हम कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को भी मौका मिल सकता है, किसी को भी अवसर मिल सकता है, और ऐसा हमारा हर कार्यकर्ता है जिसे की अवसर प्राप्त हो सकता है। ये बीजेपी नहीं है, बहुत अच्छे वही होगा, यहाँ पे तो हर कार्यकर्ता को अवसर मिल सकता है, ये प्रजातांत्रिक पार्टी है। फिर रवि भाई, फिर आठ लोगों को लड़ाने पर कांग्रेस विवाद क्यों कर रही है? ये कमलनाथ ने इतना लंबा ट्वीट कर गया कि तो हार मान ली बीजेपी ने, आप भी तो 40 और 8 गिना रहे हैं। अब आपको मैं इस बात का जवाब दे दूं, बताइए कि जब रावण जो है हार रहा था और उसको मालूम था कि मेरी निश्चित हार होगी, तब उसने मेघनाथ को भी उतार दिया था और कुंभकर्ण को भी उतार दिया था, और ऐसे अपने जो उनके 100 पुत्र थे उनको भी उतार दिया था। तो अब भाजपा के पास नेता तो बचे नहीं है, तो 3 केंद्रीय मंत्री उतार दिए, और जो स्टेट में मंत्री थे, मंत्री रह चुके हैं 10-10, 15 साल पहले, उनको भी उतार दिया। अब तो इज्जत दांव पे लगी है ना, क्योंकि कर्नाटक में जो करारी हार हुई है, उस करारी हार का से ऐसी दहशत बैठ गई है कि अब इस दहशत में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का चेहरा अलग कर दिया गया है, आज एक भी आप देख लीजिए इनकी जो यात्राएं चल रही है कहीं भी इनका फेस नहीं है, सारे यही फेसेस जिनको कि अभी टिकट दिए इनको ले जाके खड़ा कर दिया है। तो आज इतनी दहशत हो गई है, और प्रधानमंत्री दहशत हो गई है, दहशत हो गई है, ये बहुत बड़ा आरोप है, दहशत हो गई है बीजेपी को। मैं आता हूं अपने दो गेस्टों के पास, वारिस पठान और धनंजय जोशी के पास जाऊंगा, लेकिन कुछ आपको यहां पर ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाने के बाद आता हूं आपके पास, के शर्मा आपके पास भी आऊंगा। देखिए, हर किसी के दिमाग में या कहें जहन में एक सवाल आ रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की बजाय बीजेपी मोदी को मेन फेस बनाकर चुनाव क्यों लड़ रही है। तो हम आपको बताते हैं इस सवाल का जवाब। हमारे पास एक ऐसा गोला है, ये आपके सामने, जो बीजेपी की इस रणनीति की वजह बताएगा। TV9 के इस हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए, ये जो आप गोला देख रहे हैं, इसके जरिए पहले 2018 विधानसभा चुनाव की तस्वीर समझिए। बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे, कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0.66% यहां पर मिले थे, समाजवादी पार्टी को 1.3% और अन्य को 3.88% वोट मिले थे, नोटा को मिले थे 1.420 और निर्दलियों को मिले थे लगभग 6% के आसपास। लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से बात करें तो बीजेपी एक तरह से अकेले चुनाव मैदान में है, तो वही कांग्रेस ये चुनाव इंडिया के साथ लड़ने जा रही है, जिनका पिछला डेटा कुछ इस तरह है। बीजेपी जहां 41.2 पर है, आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं, वही BSP और अन्य और निर्दलीय को जोड़ दें तो यह करीब आता है 16.01 के आसपास। लेकिन इंडिया जहां पर कांग्रेस है, जहां पर SP है, जहां आम आदमी पार्टी है, यह जाता है 42.85 के आसपास। हो सकता है यही वो आंकड़े हैं जिन्हें लेकर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है, क्योंकि इस बार जब मतदाता वोट डालेंगे तो सरकारों के विकास का ध्यान तो रखेंगे, लेकिन बीजेपी की एक्चुअल चिंता यही है जो हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं,
2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 14 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी ने बहुत कम अंतर से कांग्रेस को हराया था, बहुत कम अंतर से। 3000 से कम वोटों के अंतर पर बीजेपी ने 14 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हासिल की थी, और वो 14 सीटें कांग्रेस को लो मार्जिन से गवानी पड़ी थी। वो जो 14 सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये 14 सीटें 3000 से कम वोटों का अंतर था, 14 सीटें जिस पर बीजेपी ने चुनाव जीत हासिल की थी, और कांग्रेस 3000 से भी कम का अंतर था। इस पर अब आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2000, 2500, 1000, लेकिन 3000 से कम का अंतर था जिस पर 14 सीटें कांग्रेस चुनाव हारी थी। वारिस पठान, मुझे लगता है यही पर आप जैसी पार्टी जो ना केवल ना एनडीए में है ना इंडिया में है, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा यहां पर आ जाती है, सबसे ज्यादा। और मैं इसी पर आपसे सवाल लूंगा, लेकिन जरा गुजरात का भी एक यहां पर डेटा दिखा दूं। ये 3000 का जो हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है आप समझिए। 2000 और गुजरात का चुनाव मॉडल हम बार बार जो कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यही कहीं एमपी पे तो नहीं जा रहा है। 2017 का रिजल्ट आप देखिए, 2017 में बीजेपी को यहां पर जो वोट परसेंट था वो 49% था, सीटें 99 थी, कांग्रेस को 41.44% था और सीटें 77 थी। लेकिन 2022 में ये तस्वीर कैसे बदलती है ये आप समझिए। 2022 में बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना बढ़ता है, 3%, 3.5% के आसपास, सीटें बहुत बढ़ जाती हैं, 57 सीटें बढ़ जाती हैं, और कांग्रेस जिसका वोट परसेंटेज यहां पर 41.44 से 27.28% होता है, उसकी सीटें 17 पर सिमट जाती है कांग्रेस। 60 सीटों का यहां पर नुकसान हो जाता है ये वोट परसेंटेज, यानी अगर ये 3% का वोट आप देखें तो 3% का वोट यहां पर 57 सीटों का फायदा बीजेपी को दे रहा है। वारिस पठान, क्या यहीं पर अब सबसे ज्यादा जोर यहीं पर लगाना है बीजेपी को कि ये जो 1-2% या 3% का वोट खिसका तो कहीं भी चली जाएगी गाड़ी, और आपकी भूमिका क्या होगी इसमें? ए गौरव भाई, अभी आपने गुजरात मॉडल की बात किया तो गुजरात के 2002 मॉडल की भी बात बता दो, किस तरह से भाजपा ने वहां पे नरसंहार कर दिया था। और वो फिर कभी और कर लेंगे, अभी चुनाव पर रहते हैं, उस मॉडल की तो कहीं अब बात नहीं कर में रहते हैं। हाँ, क्योंकि गुजरात का मॉडल ही था। अब चुनाव की बात तो ये रही गौरव भाई कि हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा है ना इस तरफ जो INDIA का गठबंधन बना है उसका हिस्सा है, मगर हमने तो साफ तौर से कहा है कि हमारा इंटेंशन, इरादा, एम यही है कि हम किसी भी तरह से बीजेपी को हराएं और हम ये इंश्योर करें कि तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। उसके लिए हम जान लगा देंगे, पूरी कोशिश कर देंगे। अब चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीट पर लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये सारी चीजें तो पार्टी तय करेगी, लेकिन एक चीज तो निश्चय है कि इस मर्तबा बीजेपी हारेगी, क्योंकि मोदी जी के जो जुमले थे पूरी पब्लिक के सामने सरासर एक्सपोज हो चुके हैं। 15 लाख की बात कही वो तो पूरी तरह एक्सपोज हो गया, किसी के खाते में नहीं आया, आपको दिया हो अकेले में तो मुझे पता नहीं है। बात नंबर दो, मोदी जी ने बात की थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पहले ही दिन, नहीं लेकिन वारिस पठान, मध्य प्रदेश में पिछली बार 16.01% वोट किसके पास था मालूम था? आप जैसी पार्टियों के पास जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, जैसे बीएसपी हो गई या फिर अन्य हो गए या निर्दलीय हो गए, तो क्या आप ये 16% बनने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम 16% क्यों, हम तो 100% बन के बीजेपी से आइडियोलॉजी की फाइट करेंगे, बीजेपी को हराने की सक्षमता है। हमने देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा गौरव भाई, हमने 2019 का जो लोकसभा चुनाव आया था ना, आप जरा उसका गणित देख लो। हम सिर्फ 3 सीट पर लड़े, हमारी पार्टी हैदराबाद से असद साहब लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज भाई लड़े और किशनगंज बिहार से अख्तर ईमान लड़े। 3 में से हमको 2 जगह पे कामयाबी मिली, और जो दूसरी जगह कामयाबी मिली है जो औरंगाबाद में हम जीते महाराष्ट्र में, वहां पर हमने बीजेपी के और शिवसेना के 4 टर्म के सिटिंग एमपी को हराया था, जो कांग्रेस नजदीक भी नहीं आ चुकी थी, वहां पे उनके तो डिपॉजिट जमा हो गई थी, वहां पर तो हम हराने की सक्षम भी रखते हैं। आप ये मत कहिए कि हम 16% के अंदर गैप के अंदर आएंगे और हम सिर्फ थोड़े से वोट लेके बैठ जाएंगे, नहीं, हम अगर लड़े और हम तो उनकी सक्षमता रखते हैं कि हम वहां पर बीजेपी को हरा भी सकते हैं, और ये बीजेपी को भी पता है, ये जनता जनार्दन की हम तो 16% बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, आप इधर ना उधर को बचाने की बात, कांग्रेस वाले आपको क्या कहते हैं मालूम है, आपको मालूम होगा कांग्रेस वाले आपको क्या कहते हैं, ये तो आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं धनंजय हमारे साथ सैफोलॉजिस्ट हैं उस पर जाना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं वारिस पठाना, बोलिए, सुन लीजिए मेरी बात, ये बी टीम वाले जवाब, अच्छा बोल दीजिए जल्दी से, ठीक है।
बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। गौरव भाई, हमको ए से लेके जेड टीम तक बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अब ये कांग्रेस का तो ये खेल बन गया है कि जब खुद की हार होती है तो खुद के गिरेबान में नहीं झांकते, ठीक है, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, तो इसलिए उनको कोई बकरा चाहिए होता है। कांग्रेस का खेल बन गया है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते, आप पे आरोप लगा देते हैं।